मेवात के उटावड़ गांव में अंग्रेजों से मेवातियों ने लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई के दौरान एक साथ 52 मेवातियों को गोली मारी गई थी। सभी को एक ही कब्र में दफन किया गया था। शहीदों की याद में बनाई गई दरगाह आज भी मौजूद है। बता दें कि देश को आज़ाद कराने के दौरान उटावड़ गांव में अंग्रेजों द्वारा एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी। जब गाँव के लोगों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने उटावड़ गांव में 52 लोगों को एक साथ गोली से मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जब एक राबिया नाम की लड़की ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो उसने भी कई अंग्रेजों को मार गिराया था। उसके बाद उनकी याद में यह है शहीद स्मारक बनाया गया है जो आज भी मौजूद है। उटावड़ गांव में शहीदों की याद में बना ये शहीदी स्मारक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिसके पास जाने के लिए ना कोई रास्ता है ना ही उन शहीदों के नाम किसी नोटिस बोर्ड पर दर्ज हैं। ग्रामीणों की मांग है कि शहीदों के नाम बोर्ड दर्शाए जाएं। शहीद स्मारक की मरम्मत कराने के साथ साथ उस पर आने जाने वाले लोगों के लिए पक्का रास्ता भी बनवाया जाए। ग्रामीणों ने मांग की है कि शहीद 52 मेवातियों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। 52 शहीदों की याद में बनाई गई इस दरगाह को जगह जगह से लोग देखने आते हैं, लेकिन खंडर पर ही इस दरगाह पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। बता दें कि शासन प्रशासन के प्रति भारी रोष है और इसकी मरम्मत कराने की मांग की जा रही है। कहा जाता है कि इस शहीदी स्मारक पर बहुत से मेवात के मुसलमानों को फांसी के फंदे पर भी लटकाया गया था। बता दें उटावड़ गांव में बनी शहीदों की याद में ये दरगाह किसी आलीशान महल से कम नहीं है, लेकिन अब देखरेख के अभाव में खंडर बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। क्या नाम है जी आपका? आमीन। ये क्या इतिहास बताते हैं जो पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि एक कब्र में जो 52 मेवाती जो दफनाए गए थे, क्या उनका इतिहास है? यस जी, यहाँ के अंग्रेजों की पलटन जारी थी तो उन्होंने कोई छेड़छाड़ कर दी तो यहाँ से, और उनने जो है हमारे गांव वाले इकट्ठे है उन्हों को 52 बंज काटे, यहाँ मोहल्ला एक बंजन का उसने जब काटे वह, तो फिर उनने आके जब वो मार दिए तो एक लड़की मतलब ये दो हमारी उसने वो अंग्रेज मारे और भगा दिए यहाँ से काफ़ी, और 52 बंज है जो एक ही कब्र में दफन करे। 52 लोगों को एक ही कब्र में दफन, एक ही दफन में, हाँ एक ही कब्र में दफन करे। एक दिन में मारा था 52? हाँ एक ही दिन में, एक दिन मारे सब। और बहादुर भी मतलब थी ये लड़की और गांव भी बहादुर था, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत तगड़ी वो है। उठावड़ गांव है ये, मझार उसी दिन से मतलब पहले से ही काफी दिन से है, इसका मेला लगता है, इसका मेला भी लगता है 5 दिन बाद, ईद के 5 दिन बाद। किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ था सुनने में आता है कि भाई सुनने में ऐसे ही आवे कि यहाँ के जैसे वो जा रहे हैं तो कोई लड़की से या किसी से उनने छेड़छाड़ थोड़ी घनी करी तो इन्होंने मतलब ये गुस्से में आके उन पे हमला किया, तो उनने वो हथियार वगैरह उन पे सब सौदा उनने ये काट दिए, 52 बंज काटे है। उसके बाद में ये लड़की संभली, इसने भी मतलब काफ़ी मार भगाए, फिर काफ़ी आदमी हो गए गाँव वाले, अंग्रेजों से लड़ाई नहीं, बहुत तगड़ी। अयोध्या गांव है, गांव उटावड़ है, बहुत एक मशहूर इतिहास। कोई ऐसे कोई बोर्ड वगैरह? अभी बोर्ड वगैरह ये गवर्नर लाया था अभी कोई कम से कम 15-20 साल पहले, 10 साल हो गए होंगे, 10-15 साल हो गए हैं। जब एक लड़के वो अयोध्या का इन पत्थर लगाया यहाँ, ये बोर्ड लगा हुआ यहाँ। क्या मांग सरकार से चाहते हैं, किस तरीके से? अब ऐसे इसकी देखभाल होनी चाहिए और इसकी मतलब हम इसकी खैर ख्वाही में भी लगे हुए हैं, झाड़ा पूछी में कोई कुछ ना है अभी तक, ये जो होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए कुछ। क्या नाम है जी? मेरा नाम सलीम है जी, मैं उटावड़ गांव का रहने वाला हूँ। ये जो स्मारक है यहाँ पर शहीदी मीनार बनी हुई दादा दरगाह है, इस पर एक यहाँ पर एक अंग्रेजों की पलटन जारी थी, उन्होंने एक लड़की को छेड़ लिया, हमारा गांव जैसे टूट के पड़ा, उन्होंने 52 आदमियों को एक साथ गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, एक ही कुएं में दफने आज, और यहां पर इतना संघर्ष हुआ। फिर एक हमारे गांव की योद्धा लड़की, उसका नाम है महावीर राबिया, उन्होंने अपने उन फौजियों को
जो अंग्रेज थे उनको मौत के घाट उतार दिया, इतनी बुरी तरह से मारा, उनको बाढ़ कुचलवाई और वो बहुत बुरी हाल किया था उन्होंने। और ये योद्धा गांव उठावट गांव, और ये आज तक इसकी कोई सुविधा नहीं ली गई सरकार ने, बहुत गलत बात है, आज तक कोई सुविधा नहीं ली गई सरकार ने इसकी। और ये बाबा इसकी देख पूछ करता है, आज तक इस पर कोई सरकारी नौकरी नहीं दी, और बहुत गम का माहौल है और हम बहुत गम में हैं। क्या चाहते हैं हम? इसको मांग चाहते हैं जी, इसके एक वो बने, इसके बोर्ड बने इसके ऊपर, और इस पर टीन लगाई जाए, और यहाँ पर ईद से 5 दिन पीछे एक मेला लगता है, रोशनी फूकते यहाँ पर, तो उस पर कोई जो आते हैं यहाँ का कोई बैठने कोई सुविधा नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी चाहते हैं, बहुत दिक्कत है यहाँ पर।